Today, we are going to discuss about the fingerprints. Dactylography, a Galton system. देखिए fingerprints क्या है? देखिए finger कुछ निशानियां इंसान जन्म से लेकर पैदा होता है, तो वो फीचर्स जो होती हैं वो कंजेनाइटल फीचर्स होती हैं. कंजेनाइटल फीचर्स होती हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स या कोई बर्थमार्क वगैरह जो है इंसान अपनी बॉडी पर पैदाइश से लेकर पैदा होता है, जन्म से ही उसके बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कंजेनाइटल फीचर्स कहलाते हैं. उन कंजेनाइटल फीचर्स में आपका फिंगरप्रिंट भी एक फीचर है जो इंसान बचपन से ही यानी कि पैदाइश से ही लेकर पैदा होता है, और गाल्टन सिस्टम भी इसको हम कहते हैं. फिंगरप्रिंट कहते किसको है? देखिए फिंगरप्रिंट कहते हैं कि आपके फिंगर्स के ऊपर, पाम के ऊपर और सोल के ऊपर यानी कि तलव पैर के तलवों के ऊपर, फीट के ऊपर कुछ स्किन में यानी कि एपिडर्मिस और डर्मिस पार्ट में कुछ रिज्स पाए जाते हैं. रिज्स और ग्रूव अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर जो है कुछ डिजाइन से बने हुए हैं, आपके हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर डिजाइन बने हुए, वो स्किन में यानी कि डर्मिस और एपिडर्मिस के ऊपर कुछ रिज्स होते हैं, उभार से होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? जो उभरी हुए पोर्शन होते हैं इनको हम रिज्स कहते हैं. जो इसमें प्रिंट डिजाइन बन रहा है उभर से रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? रिज कहते हैं. और जो इनके बीच में नाली सी होती है उसको ग्रूव बोलते हैं. जो नाली सी, उसी की वजह से प्रिंट उभर कर आता है. तो इस पैटर्न को यानी कि जो फिंगर्स के ऊपर जो डिजाइन बने हुए हैं आपका, इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं? फिंगर प्रिंट का नाम देते हैं. डैक्टाइलोग्राफी किसको कहते हैं? देखिए डैक्टाइलोग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ रिज पैटर्न ऑन द स्किन, यानी कि स्किन के ऊपर जो रिज पैटर्न है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? डैक्टाइलोग्राफी कहते हैं. इस डैक्टाइलोग्राफी को जो डिस्कवर्ड किया था, डैक्टाइलोग्राफी चली कहां से थी, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? इसको डिस्कवर्ड किया था सर विलियम जे हर्शल ने 1858 में बंगाल के अंदर जो है इसको डिस्कवर किया, बंगाल के अंदर डिस्कवर किया था. और इसको सिस्टमाइज किया किसने? इसको सिस्टमाइज किया था फोरेंसिक गाल्टन ने इसको सिस्टमाइज किया था 1892 में इसको सिस्टमाइज किया. शुरुआत में ये फिंगरप्रिंट का मकसद क्या था? देखिए पहले सिर्फ जो है कल्प्रिट्स जो होते थे, क्रिमिनल्स जो होते थे, उनकी एक एब्सोल्यूट पहचान बनाने के लिए, पहचान जानने के लिए उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं. फिंगर के अलावा पूरे हाथ के प्रिंट भी उनके लिए जाते हैं, यानी कि हाथ की पूरी छाप और उंगलियों की पूरी छाप, दोनों हाथों की पूरी छाप ली जाती थी, प्रिंट लिए जाते थे. तो उनको ताकि उनका एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन हो सके, उनको आसानी से पहचाना जा सके. लेकिन आज के दौर में चूंकि ये चीज ऐसी है कि ये कभी बदलती नहीं, इसको कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन के तौर पे हर कंपनी आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, ये जो जो भी सिस्टम गवर्नमेंट के चल रहे हैं उनमें इंसान की सबसे आसान पहचान जानने के लिए, सबसे पहचान को आसान बनाने के लिए इसको एक जरिया बना लिया है. पहले सिर्फ क्रिमिनल्स का लिया जाता था, लेकिन अब जो है फिंगरप्रिंट हर उसमें जो है आपका आधार कार्ड वगैरह में या कहीं पर भी अटेंडेंस बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है वहां पर भी आप प्रिंट लगा सकते हैं. आप ये समझ सकते हैं प्रिंट जैसे आजकल जो है बारकोड चल रहा है. बारकोड पूरी दुनिया में एक जैसा किसी का नहीं हो सकता है. सेम उसी तरह से आपका फिंगरप्रिंट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिल्कुल सेम, इन्हीं फिंगरप्रिंट के पैटर्न पर, इन्हीं फिंगरप्रिंट के आधार पर जो है मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से बारकोड जो है वो डेवलप किया गया होगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट भी पूरी दुनिया में किन्हीं दो पर्सन के एक जैसे नहीं हो सकते, भले ही वो आइडेंटिकल ट्विंस क्यों ना हो, इनकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि नंबर एक तो बात ये कि इंसान जब पैदा होता है तो ये उसकी बॉडी पर यानी कि उसके हाथों पर, पैरों पर जो है वो पैदाइश से ही मौजूद होते हैं. नंबर दो, इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता जब तक के पूरी स्किन
डिस्ट्रक्ट ना कर दी जाए इनको, यानी कि प्यूट्रीफाइड, इवन के जो प्यूट्रीफाइड बॉडी होती है लास्ट जो सड़ जाती है उनके ऊपर से भी फिंगरप्रिंट आसानी से उठाया जा सकता है, फिंगरप्रिंट आसानी से उठाया जा सकता है। तो ये रिच्स का जो पैटर्न है ये प्रेजेंट होता है फ्रॉम बर्थ, बचपन से ही बॉडी पर जो है वो प्रेजेंट रहता है और हॉल लाइफ जो का तो मौजूद रहता है जब तक उसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जाए। डिस्ट्रक्ट से मतलब जब स्किन आपका पूरी तरह से उतार दी जाए चाकू वगैरह से, यानी कि डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों की दोनों उतार दी जाए तो ही ये वेस्ट हो सकता है, अदरवाइज ये कभी खत्म नहीं होता है, रिमेन कॉन्स्टेंट हॉल लाइफ, कैन नॉट अल्टर्ड विदाउट डैमेज डिस्ट्रक्ट स्किन, इसको बदला नहीं जा सकता है, यानी कि बिना स्किन को खत्म किए, स्किन को बिल्कुल बर्बाद किए बिना इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। और ये पूरी दुनिया में किन्हीं भी दो इंसान के एक जैसे नहीं हो सकते हैं, जिस तरह से बारकोड आपको मैंने मिसाल दी है, बारकोड आप पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों आदमी है लेकिन सबका बारकोड अलग, बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो है फिंगरप्रिंट के पैटर्न पर शायद उसको बनाया गया है। तो ये दुनिया में कभी एक दूसरे का नहीं हो सकता है, एक दूसरे के नहीं मिल सकते हैं, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो, यानी कि एक साथ पैदा हुए बच्चे, जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, उनके भी फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल सेपरेट होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, फिंगरप्रिंट्स जनरली कितनी तरह के होते हैं। फिंगरप्रिंट को देखिए चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है, चार हिस्सों में क्लासिफाइज किया गया है, नंबर एक आर्चेस, नंबर टू लूप्स, नंबर थ्री वॉल्ड और नंबर फोर कंपोजिट और कंपाउंड। देखिए आर्च लाइक पैटर्न किन में मिलता है, सिर्फ 6-7% लोगों के अंदर आर्च लाइक पैटर्न जो है मिलता है। लूप पैटर्न जो है वो आपका 67%, यानी कि सबसे ज्यादा तादाद जो है वो 67% लोगों के अंदर मिलती है लूप की। वॉल जो है आपका 25% पर्संस के अंदर मिलता है और कंपोजिट सिर्फ जो है 1-2% पर्संस के अंदर जो है वो आपका मिलता है। तो नंबर एक पर आते हैं आर्च। देखिए यहां पर ये डिजाइन जो बन रहा है, ये डिजाइन बनता है किसके बेस पर, रिज के और ग्रू के। ये जो लाइन हमने बनाई, ये लाइन जो ऐसे आई है लाइन, इनको बोलते हैं रिज। अभी मैंने पहले भी बताया आपको रिज और दो लाइनों के बीच में जो गैप होता है इसको बोलते हैं हम ग्रू। इन रिज और ग्रू के बेस पर ही ये डिजाइन बनता है, इसी से प्रिंट आता है आसानी से जब हम प्रिंट लेने की कोशिश करते हैं। तो आर्च लाइक प्रिंट में क्या होता है कि रिज जो है वो ऐसे जाते हैं, जैसे पुल बनता है ना आर्च, पहले अब तो सीधे पुल बनते हैं, पहले जो है आर्च नुमा पुल बनते थे, यानी कि गोलाई नुमा पुल बनते थे, तो आर्च वहीं से लफ्ज आया है। तो आर्च लाइक फैशन में इसके रिज जाते हैं, वो रिटर्न नहीं होते हैं, यानी कि एक इस साइड से चलेगा तो दूसरी साइड में जाके खत्म होगा, दूसरा इस साइड से चलेगा तो दूसरी तरफ जाके खत्म होगा, उसका किसी के साथ कनेक्शन नहीं होता है। तो ये यानी कि आर्च लाइक फैशन में होते हैं, तो इसीलिए इनको हम आर्च पैटर्न कहते हैं, आर्च पैटर्न कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका लूप पैटर्न। लूप पैटर्न जो है वो आपका 67% लोगों के अंदर मिलता है और इस लूप पैटर्न में इसका जो फैशन होता है, इसका जो डिजाइन होता है वो होता है जैसे हेयर पिन, बालों में लगाने का पिन होता है ना हेयर पिन, आप यहां देखेंगे कि मैंने बिल्कुल हेयर पिन जैसी स्ट्रक्चर बनाई है। तो ये हेयर पिन लाइक डिजाइन में इस तरह से बनता है, तो जो आगे राउंडेड स्ट्रक्चर बनी है इसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। जो पिन लाइक स्ट्रक्चर में आगे फोल्ड बना है, लूप बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर कहते हैं। और ये नीचे की तरफ जाकर एक डेल्टाज पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर डेल्टाज में कन्वर्ट होते रहते हैं, आगे पिन बनेगा फिर डेल्टा फिर पिन डेल्टा। तो इस तरह से एक पैटर्न में, लूप के एक पैटर्न में एक कोर होती है और एक डेल्टा होता है, यानी कि ये जो हमने ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाई है ये डेल्टा और ये पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाई है इसको हम कोर कहते हैं। तो लूप के अंदर जो है लूप डिजाइन में एक कोर और एक जो है आपका डेल्टा मौजूद होता है, तो इसके बेस पर हम पहचान सकते हैं कि ये आपका लूप लाइक पैटर्न है। नंबर थ्री वॉल्ड। वॉल्ड इसमें देखिए, इसमें जो डिजाइन होता है वो सर्कुलर होता है, इसमें डिजाइन कैसा होता है, सर्कुलर, इस तरह से जैसे घड़ी की कमानी होती है अंदर वो इस तरह से मूव करती है, ये सर्किल में ये जो है पैटर्न, ये जो आपके
रिज्स हैं वो आपका सर्कुलर फैशन में लगे हुए होते हैं और लास्ट में आके जो है वो आपका दो डेल्टाज में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि इसमें एक कोर प्रेजेंट होता है और दोनों साइड में एक एक डेल्टा मौजूद होता है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वॉल लाइक पैटर्न में एक कोर और दो डेल्टा मौजूद होते हैं, तो इन्हीं के बेस पर आप इसको पहचान सकते हैं कि ये वॉल लाइक पैटर्न है। नंबर फोर, कंपोजिट या कंपाउंड। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होता है जो बहुत कम लोगों के अंदर मिलता है, सिर्फ 1-2% लोगों के अंदर ये देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डबल कोर होती है और डेल्टा भी डबल होता है या कभी कभी उससे ज्यादा भी, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार डेल्टा भी हो सकते हैं। कोर जो है आपका डबल हो गया एक जगह के पैटर्न, जब एक जगह का हम प्रिंट लेंगे तो वहां पर जो है आपका इसमें पिन लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने इधर बताई है, पिन लाइक स्ट्रक्चर दो शेप में होंगी, यानी कि दो डबल कोर होगा और दो ही जो है वहां पर डेल्टा होंगे। तो इनके बेस पर हम इसको पहचान सकते हैं कि कंपोजिट पैटर्न ऑफ फिंगरप्रिंट है। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन ऑफ फिंगरप्रिंट, यानी कि एक बार दोबारा से बता देता हूं, फिंगरप्रिंट यानी कि जो आपके फिंगर्स के ऊपर रिज और ग्रूव बने हैं उनसे जो प्रिंट बनता है, उनसे जो डिजाइन बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फिंगर प्रिंट कहते हैं। डेक्टाइलोग्राफी यानी कि स्टडी ऑफ द रिज पैटर्न, यानी कि जो पैटर्न बन रहे हैं, जो रिज बन रहे हैं उनकी स्टडी जब की जाती है, जिस साइंस में की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका डेक्टाइलोग्राफी कहते हैं। गाल्टन सिस्टम इसको क्यों कहा गया है, गाल्टन सिस्टम इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि फॉरेंसिक गाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने इसको सिस्टमाइज किया था। अब 1892 में, 1892 में इसको सिस्टमाइज किया था और इसको जो डिस्कवर किया था, फिंगरप्रिंट को डिस्कवर किया था, वो किया था सर विलियम जे हार्सेल ने 1858 में, 1858 में बंगाल के अंदर इसको जो है डिस्कवर किया था। पहले जो है सिर्फ कल्प्रिट्स जो होते थे, क्रिमिनल्स जो होते हैं, उनके प्रिंट्स जो है पुलिस के जरिए लिए जाते थे ताकि जो है उनको आसानी से पहचाना जा सके। लेकिन आज के दौर में ये एक चलन बन गया है, तो हर जगह पर कहीं पर भी आप जाएंगे, आधार कार्ड या अटेंडेंस भी आप लगाएंगे तो वो भी बायोमेट्रिक मशीन में फिंगर के जरिए या अंगूठे के इंप्रेशन के जरिए जो है वो काउंट की जाती है। तो अब ये हर जगह चलन में आ गया है, तो इसी को हम फिंगरप्रिंट का नाम देते हैं। फिंगरप्रिंट बेस्ड होता है किसके ऊपर, रिज और ग्रूव्स के ऊपर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। दिस पैटर्न मेक्स एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन, एक परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है ये आपका इंसान की करा देती है, यानी कि ये पैदाइश से इंसान के जिस्म पर होते हैं। दूसरा जो है आपका, इनको डैमेज नहीं किया जाता जब तक पूरी स्किन को जो है खत्म ना कर दी जाए, यानी कि ये होल लाइफ बॉडी के ऊपर मौजूद रहते हैं, इवन के डिकम्पोज बॉडी यानी कि जो लाश सड़ जाती है उन पर से भी फिंगरप्रिंट आसानी से उठाया जा सकता है। पूरी दुनिया में ये दो प्रिंट एक जैसे किसी के नहीं हो सकते हैं, यानी कि दो प्रिंट नहीं मिल सकते हैं, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विन्स ही क्यों ना हो, यानी कि जुड़वा ही क्यों ना हो। क्लासिफिकेशन इसको हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है, नंबर एक आर्चीज, नंबर टू लूप, नंबर थ्री हॉल, नंबर चार कंपोजिट। आर्चीज, आर्चीज जो है आपका 6-7% लोगों में, लूप 67% में, वॉल 25% में और कंपोजिट या कंपाउंड जो है आपका 1-2%। आर्चीज में जो है जो फैशन होता, जो डिजाइन होता है रिज का और ग्रूव का, वो आर्च लाइक होता है, पुल की तरह से होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं बल्कि सेपरेट होते हैं, तो आर्च लाइक होते हैं, तो इसलिए इसको हम आर्चीज कहते हैं। लूप, लूप में एक कोर होती है और एक जो है डेल्टा होता है, यानी कि एक पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है और एक जो है आपका ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, उनके बेस पर जो पैटर्न बनता है उसी को लूप का नाम दिया जाता है। वॉल्ड, इसमें जो डिजाइन होता है रिज का वो सर्कुलर डिजाइन में इस तरह से जो है वो घूमता चला जाता है और लास्ट में जाके वो जो है एक प्रिंट पर दो जगह पर उसमें डेल्टा फॉर्म हो जाते हैं। तो बीच में जो सर्कुलर डिजाइन शुरू हुआ था उसको हम कोर कहते हैं और दोनों साइड में दो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उनको हम डेल्टा का नाम देते हैं। नंबर चार पर आपका कंपोजिट या कंपाउंड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बहुत कम लोगों के अंदर मिलती है, यानी कि सिर्फ 1-2% लोगों के अंदर मिलती है, जिसमें दो कोर होते हैं और दो ही डेल्टा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, डेल्टा तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। अब आता है आपका एडवांटेजेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स। एडवांटेजेस यानी कि क्या खासियतें हैं फिंगरप्रिंट की, क्या एडवांटेजेस हैं। नंबर एक, इट इज एप्लीकेबल टू पर्सन ऑफ ऑल एज,
यानी कि इसको हर उम्र के इंसान से लिया जा सकता है, चाहे वो बच्चा हो आज का पैदा हुआ या 100 साल का बूढ़ा पर्सन हो, ओल्ड पर्सन हो, तो यानी कि हर एज में ये आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये इसकी पहली एडवांटेज, कैन ऑब्टेंड इवन प्यूट्रीफाइड बॉडीज, यानी कि सड़ी गली लाशों के ऊपर से भी इसको उठाया जा सकता है, वहां से भी इसको, लाश भले ही सड़ गई हो लेकिन ये सबसे बाद में खराब होती है, तो वहां से भी इस प्रिंट को आसानी से उठाया जा सकता है। नंबर 3, एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन इज पॉसिबल, बिल्कुल परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन इससे मुमकिन होती है किसी भी इंसान की फिंगरप्रिंट के जरिए, नो स्पेशल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, तो बहुत आसानी से बहुत कम खर्च में इसको जो है हासिल किया जा सकता है, यानी कि इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, घर में भी कोई भी आदमी जो है इस प्रिंट को आसानी से ले सकते हैं। नो एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट नेसेसरी, कोई महंगा आइटम, महंगा इंस्ट्रूमेंट, महंगा औजार इसमें खरीदने की जरूरत नहीं होती है, कैन बी रिकॉर्ड इजीली, और बहुत आसानी के साथ इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, बहुत आसानी से इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। देखिए इसको रिकॉर्ड करते कैसे हैं, इसको रिकॉर्ड करते कैसे हैं, देखिए जिस भी हाथ का या पैर का या जिस भी फिंगर का प्रिंट लेना है उसको पहले अच्छी तरह से वॉश करें, अच्छी तरह से उसको धो लें, अच्छी तरह से धोने के बाद उसको ड्राई कर दें, खुश्क कर दें बिल्कुल। उसके बाद एक प्लेन पेपर लें और एक जो है आपका इंक पैड जो आता है, जिससे अंगूठादानी की भी कहते हैं आम जबान में, इंक पैड आता है, तो उस इंक पैड पर से आप जो है इस तरह से ये हाथ या जिस भी प्रिंट लेना है या अंगूठे का इस तरह से लेना है, तो इस तरह से उस इंक पैड पर लगाकर और इस तरह से आप जो है पेपर पर इसको लगा सकते हैं, तो यहां पर फिर आपका ये क्या होगा, एक प्रिंट छोड़ देगा, एक जो रिज के ग्रूव के निशान है वो इसके ऊपर छोड़ देगा। तो ये बस तरीका है इसको लेने का, ये इसमें कितना खर्च आता है, कुछ खर्च नहीं आता है, बहुत आसान तरीका है। इसके दो टाइप्स होते हैं एक तरह से, एक होता है प्लेन प्रिंट, एक होता है रोल्ड। प्लेन को आप पार्शियल प्रिंट भी कह सकते हैं और रोल्ड को आप जो है कंप्लीट प्रिंट भी कह सकते हैं। देखिए पार्शियल प्रिंट जो है वो आमतौर से हर जगह पे इस्तेमाल होता है, जो प्लेन प्रिंट है वो हर जगह पर इस्तेमाल होता है, हर जगह पर उसको लगवाया जा सकता है, लेकिन जो रोल्ड प्रिंट होता है वो खासतौर से देखा जाता है कि जहां पर रजिस्ट्री वगैरह होती है, जमीनों के बैनामे वगैरह होते हैं, तो वहां पर, हालांकि अब वहां पर भी जो है आपका सिर्फ जो है प्लेन प्रिंट लिया जाने लगा है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले कंप्लीट प्रिंट लिया जाता था, कंप्लीट जो है आपको बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर लगाइए, उसका प्रिंट एकदम से आपके सामने होगा, तो उस टाइम जो है वो प्रिंट लिया जाता था, जिसको हम जो है आपका रोल्ड प्रिंट कहते हैं। रोल्ड प्रिंट आज भी कहीं भी जहां पर जो है ये अभी कंप्यूटराइज सिस्टम मॉडर्नाइज नहीं हुआ है, वहां पर आज भी रोल्ड प्रिंट का जो है वो चलन है, रोल्ड प्रिंट लिया जाता है। रोल्ड या कंप्लीट प्रिंट किसको कहते हैं, देखिए पार्शियल तो हमने कहा सिर्फ ऐसे निशान लिया और ऐसे लगा दिया, हटा लिया, ये तो हुआ आपका पार्शियल। कंप्लीट कब होगा, ऐसे लगा के और अंगूठे को ऐसे पूरा रोल कर देते हैं, इस तरह से पूरा रोल कर देते हैं, इस तरह से रोल कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो ये प्रिंट जो है क्या कहलाता है, आपका रोल्ड प्रिंट कहलाता है, यानी कि कंप्लीट प्रिंट कहलाता है। अगर आपकी फिंगर वगैरह किसी स्टेन में, अगर फिंगर वगैरह किसी स्टेन में सॉइल्ड है, सनी हुई है, तो उस वक्त बहुत क्लियर प्रिंट आता है। जैसे ब्लड अगर किसी के हाथ पे लगा हुआ है तो उसका प्रिंट ले जाए तो बहुत क्लियर प्रिंट आएगा। ग्रीस अगर किसी के हाथ पर लगा हुआ है, ग्रीस होता है ना जो दरवाजों में चिकना वगैरह करने के लिए या मिस्त्री लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रीस किसी चीज को चिकना करने के, अगर वो हाथों पे लगाए तो बहुत क्लियर प्रिंट जो है वो आपका उसके ऊपर आ जाता है, जिस पर भी प्रिंट लेना चाहे। अगर उंगलियां किसी चीज में सनी भी है, किसी ऐसे चीज में जो आसानी से आ जाती है, अगर प्रिंट जो है बहुत हल्का है, जैसे आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि कार के दरवाजों के ऊपर से, घरों के दरवाजे के ऊपर से या अलमारियों के ऊपर से प्रिंट उठाते हैं, तो वहां पर बहुत हल्का प्रिंट होता है तो वो एकदम से नजर नहीं आएगा, तो क्या करते हैं उसके ऊपर डस्टिंग पाउडर डाल देते हैं, जो ग्रूव्स होती है उनके अंदर वो डस्टिंग पाउडर चला जाता है, उसके बाद आसानी से उसका फोटो वगैरह लिया जा सकता है या जो है उसको आसानी से उठाया जा सकता है, अगर हल्का प्रिंट है तो। ठीक, एडवांटेज एक बार फिर बता देता हूं, एडवांटेज जो है वो आपका नंबर 1,
इट इज एप्लीकेबल टू persons ऑफ ऑल एज, हर उम्र के आदमी से ये प्रिंट हासिल किया जा सकता है। कैन ऑब्टेंड इवन प्यूट्रीफाइड बॉडीज, चाहे लाश सड़ी हुई ही क्यों ना हो वहां से भी, चाहे लाश प्यूट्रीफाइड क्यों ना हो, डिकम्पोज हुई हुई हो, तो वहां से भी आपका जो है प्रिंट आसानी से उठाया जा सकता है। एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन इज पॉसिबल, बिल्कुल परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन जो है इंसान का इससे हो जाता है। नो स्पेशल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, इसको लेने के लिए कोई किसी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। नो स्पेशल नो एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड, यानी कि कोई महंगा इंस्ट्रूमेंट लेने की या खरीदने की जरूरत नहीं होती, ना इसके लिए होता है। इसको बहुत आसानी से रिकॉर्ड, कैन बी रिकॉर्ड इजीली, बहुत आसानी से इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। रिकॉर्ड ऑफ प्रिंट्स में कैसे करते हैं, पहले क्लियर कर लीजिए, वॉश कर लीजिए एरिया को जहां का प्रिंट लेना है, क्लीन करके ड्राई कर लीजिएगा। उसके बाद प्रिंटर इंक जो आती है, इंक पैड जो आता है, उसके ऊपर अंगूठा लगाइए या जो जहां का भी लेना है उसको लगाइए, और उसको जो है आप एक प्लेन पेपर पर ऐसे लगा के छोड़ दीजिए, हटा लीजिए, तो प्रिंट वहां पर आ जाए। प्रिंट दो तरह के होते हैं, दो तरह से लिए जाते हैं, एक होता है प्लेन प्रिंट, एक होता है रोल्ड प्रिंट। प्लेन को हम पार्शियल भी कहते हैं और रोल्ड को हम कंप्लीट भी कहते हैं। प्लेन किसको कहते हैं कि इंक पैड पे लगाया और ऐसे लगा के उठा लिया, तो ये आपका प्लेन होगा। और रोल्ड होता है आपको लगाया और ऐसे मूव कर दिया जाता है, ऐसे घुमा दिया जाता है, जब ऐसे घुमा के पूरा प्रिंट लिया जाता है तो उसको हम कंप्लीट प्रिंट या रोल्ड प्रिंट का नाम देते हैं। स्वेल्ड फिंगर्स जो हैं, अगर उंगलियां किसी ब्लड में या ग्रीस में सनी हुई हैं, स्वेल्ड हैं, तो उनका प्रिंट जो है बहुत अच्छा आता है, बहुत क्लियर आता है। और अगर फेंट है तो वहां पर डस्टिंग पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिए और तो वहां पर जो है आपका प्रिंट उपलब्ध हो जाएगा। तो ये था आपका, हाँ, आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। जुगनू जानते हैं किसको कहते हैं? जुगनू आपने देखा होगा कि रात के वक्त एक पंछी, एक कीट जो है वो उड़ता है, उसके पीछे से लाल लाइट सी जलती रहती है, उसको जुगनू कहते हैं। तजर्बा कहते हैं एक्सपीरियंस को। तो उसी के ऊपर किसी शायर ने कहा है कि जुगनू चमकते रहते हैं, जुगनू चमकते रहते हैं मगर उन्हें सूरज का मर्तबा नहीं मिलता। जुगनू चमकते रहते हैं मगर उन्हें सूरज का मर्तबा नहीं मिलता, और तजर्बों की दौलत तो हादसों से मिलती है, कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है, तजर्बों की दौलत तो हादसों से मिलती है, बाप से विरासत में तजर्बा नहीं मिलता। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।